भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां कल अगरतला पहुंची। बीजेपी की प्रदेश महासचिव प्रतिमा भौमिक इन अस्थियों को लेकर कल सुबह अगरतला हवाई अड्डा पहुंची, जहां हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। भौमिक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव और उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा को अस्थियों का कलश सौंपा। बाद में कलश को बीजेपी मुख्यालय लाया गया और 26 अगस्त को स्वर्गीय अटल जी की इन अस्थियों को त्रिपुरा के 8 जिलों की 8 नदियों में बहाया जाएगा। प्राक्तन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्थि कलश लेके आए हुए हैं और इसको इस यात्रा को हम लोग सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य यात्रा यहां से शुरू होगी, साथ साथ हम पार्टी ऑफिस तक जाएंगे और वहाँ सभी के लिए दर्शन का व्यवस्था रहेगी, पुष्पांजलि की व्यवस्था रहेगी और उसके बाद हर जिले में ये कलश यात्रा होगी, सभी लोग पुष्पांजलि करेंगे, श्रद्धांजलि करेंगे और 26 तारीख को 8 नदी में हम लोग विसर्जन करेंगे, अस्थि विसर्जन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश आज अगरतला में आया है। जो प्लान है बीजेपी कार्यकर्ता का वो है इस राज्य की जो 8 नदी है, सब नदी में उनका अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। कुलपति आद्य प्रसाद पांडे को बर्खास्त करने की मांग में 84 दिन तक बंद रहने के बाद मणिपुर विश्वविद्यालय गुरुवार को पुनः खुल गया। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच हुए समझौते के बाद विश्वविद्यालय को पुनः खोला गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मेघालय सरकार और मुसु मुटा तथा मूसा के बीच इस बात पर समझौता हुआ है कि 2 लोगों की एक जांच समिति गठित की जाएगी, जो कि पांडे के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। I'm very excited and I thank you the student organization, the staff of the Manipur University. Today I came here regarding my mark sheet. Actually, I got admission at DU, but I cannot do my admission till now because the mark sheets are not declared yet. We feel very happy after long 85 days, MU is going to open from today onwards. So it feels very happy to us. We, as a banker, is located inside the Manipur University campus. We are very happy and very delighted that the university will be open after. मणिपुर विश्वविद्यालय का कुलपति यानी प्रोफेसर आद्य प्रसाद को उसके वाइस चांसलर के पद से हटाने के मांग पर मणिपुर विश्वविद्यालय का छात्र संगठन और शिक्षकों का संगठन ने यहाँ पर मणिपुर यूनिवर्सिटी को बंद करके जो रखा था, आज 84 दिनों के बाद आज फिर खुलने लगा है। ये कदम मणिपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन, शिक्षकों का संगठन और एक तरफ भारत सरकार का मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का और मणिपुर सरकार का और एक तरफ ये छात्र संगठन और शिक्षकों के बीच में एक समझौता आने के बाद आज से ये फिर शुरू हो गया है और यहाँ से खुलने लगा है हर दफ्तर, मणिपुर विश्वविद्यालय का हर दफ्तर, हर क्लासेस आज से फिर जारी रहेगा। कल मेघालय में शांतिपूर्वक ढंग से उपचुनाव आयोजित कराए गए। साउथतुरा में 72.89% मतदान दर्ज किया गया है। इस मतदान के जरिए 36 मतदान केंद्रों के ईवीएम मशीनों में उम्मीदवारों के भाग्य कैद हो गए हैं। इनमें मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा, कांग्रेस के सीडब्ल्यू मोमिन और निर्दलीय उम्मीदवार जॉन लेस्ली के संगमा और क्रिस काबुल ए संगमा शामिल है। इधर साउथ वेस्ट खासी हिल्स के रानीकोर विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त होने से पहले ही 83.20% से अधिक मतदान दर्ज हुए। Tura is a constituency which is the headquarters of Garo Hills by default, and we've seen that South Tura, even though it is a urban constituency, there are a lot of interior localities and areas which are not connected with proper roads. Don't have enough drinking water. A lot of garbage issues are there. Cleanliness issues there.
street light issues are there. So whatever is required in urban center, a lot of it is lacking in Tura. So my task would be to work towards that, improving the overall infrastructure in the town. And it is a huge task, but I hope that I'll be able to take Tura forward and improve the basic amenities that are required in Tura. असम में एनआरसी के असर से बॉलीवुड के अभिनेता भी अछूते नहीं रहे। मशहूर अभिनेता आदिल हुसैन के घर पर ही एनआरसी ने खलबली मचा दी है, क्योंकि उनके परिवार के एक अहम सदस्य का नाम एनआरसी के फाइनल मसौदे से छूट गया है। दरअसल सन 2009 में आदिल की भतीजी मेघना शाही को अचानक एक दिन डी वोटर करार देकर उनके घर नोटिस भेजा गया था। तब से आज तक पूरा परिवार मेघना के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। परिवार वालों की चिंता और भी बढ़ी जब एनआरसी का मामला सामने आया। मेघना का नाम गौरीपुर और धुबरी दोनों वोटर लिस्ट में रहना भी इसका एक कारण दर्शाया जा रहा है। সদায় তেও ফোনত মানে তেওটো সদায় খুব ব্যস্ত থাকে, বাহিরতে থাকে বেশিরভাগ সময়। তার পিছতো তেও মোক ফোনত বহুতবার কইছে যে এটু কিয় হইছে কি হইছে। যেতিয়া মই কলো যে আমি ডকুমেন্টস বিলাক উলাইছো, এটা ফরেন ট্রিবিউনালত যেতিয়া নামটো মানে কেসটো উঠিব তেতিয়ার পিছতহে ডিটু আমার মানে। इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की तिप्रहा ग्रुप ने कल पृथक राज्य मांग दिवस मनाया। यह जनजातीय राजनीतिक पार्टी त्रिपुरा लैंड के अलावा त्रिपुरा में एनआरसी की मांग उठा रही है। अपनी दो प्रमुख मांगों के समर्थन में इस ग्रुप ने नंदन नगर में डॉन बॉस्को स्कूल के सामने धरना दिया। तेईस अगस्त सन 1979 में संसद में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट को पारित किया गया था। इसी दिन को याद करते हुए आईपीएफटी तिप्रहा ग्रुप पृथक राज्य मांग दिवस मनाता है। ये आईपीएफटी तिप्रहा हमारा डिमांड है एडीसी सिक्स सीडल एरिया को लेकर तिप्रहा मतलब त्रिपुरालैंड का हम लोग मांग कर रहा है। एनआरसी जो अभी आसाम में चालू हुआ, नेशनल सिटीजनशिप ऑफ सर्टिफिकेट, उसका हम लोग मांग कर रहा, क्योंकि बांग्लादेश से इतने रिफ्यूजी आ गया त्रिपुरा में। अभी इधर का जनजाति मूल आदिवासी इधर का भूमिपुत्र उन लोग खत्म होने का तरफ जा रहा है। केरल के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए नागालैंड फॉर केरला कंसर्ट के बैनर तले रैटल एंड हम म्यूजिक सोसाइटी आज हेरिटेज में एक कॉन्सर्ट का आयोजन करने जा रहा है। इस कॉन्सर्ट में कलाकारों के कुल छह ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परफॉर्म कर चुके हैं। रैटल एंड हम म्यूजिक सोसाइटी के सचिव डॉक्टर टोलता मेथा ने बताया कि उनके इस भले कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में चंदा मिल रहा है। ये कॉन्सर्ट आज शाम 5 बजे से होगा। Yeah, we are here at the heritage where the concert for the aid for the Kerala disaster is going to be held tomorrow. As you can see, hectic preparation is on for tomorrow's concert. We have with us here Dr. Dolto, who is the secretary of the organizers Rattle and Hum Society, who will give us more detailed information about the concert. Whatever little amount that we collect, we will be donating it to Kerala, not as Rattle and Hum Music Society, but as a donation from the people of Nagaland.